जालौन मेट्रो से मैं रश्मि पांडे। आज महाशिवरात्रि है। भगवान शिव की पूजा आराधना करने हेतु बसंत ऋतु के फाल्गुनी मास की चतुर्दशी को शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव ने हलाहल विष से सृष्टि की रक्षा की थी तथा कुछ मान्यताओं के अनुसार ये भी बताया जाता है कि इस दिन भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। भगवान शिव ने सुंदर नृत्य किया था जिससे शिवगणों ने प्रत्येक वर्ष भगवान शिव को प्रसन्न करने हेतु इसे मनाना शुरू किया, जो आज भी ग्रंथों की मान्यता के अनुसार प्रथा को जारी रखा गया है। आज इस महाशिवरात्रि पर्व पर हम आपको अपने चैनल के माध्यम से जनपद जालौन के कुछ शिव मंदिरों से भगवान शिव के दर्शन करा रहे हैं, तो आप सभी लोग हमारे चैनल के माध्यम से भगवान शिव के दुर्लभ दर्शन कीजिए। जालौन से देवेश कुमार स्वर्णकार की रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, आज महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि यानी कि भोले बाबा का दिन। वैसे तो कहा यह जाता है कि संसार दो रात्रियां प्रमुख होती हैं, एक महाशिवरात्रि और एक नवरात्रि। इन दोनों नव यानी आज महाशिवरात्रि के दिन हम अपने दर्शकों को अपने चैनल के माध्यम से जनपद जालौन के प्रमुख मंदिरों के दर्शन करा रहे हैं। आज हम आपको जिस जगह हम खड़े हैं, ये जगह जनपद जालौन के जालौन नगर क्षेत्र से उत्तर पूर्व की ओर स्थित सेमरा धाम। सेमरा एक स्थान, एक खार की जगह है, वहाँ पर ये शिव मंदिर है। इस मंदिर के बारे में बताया जाता है कि ये मंदिर कितना पुराना है, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं, लेकिन बताते ये हैं कि इस मंदिर का निर्माण मराठों ने कराया था और मराठे यहाँ पर अपने इष्ट देव को मनाने के लिए पूजन अर्चन करने आते हैं। ये सेमरा धाम मंदिर हालांकि शहर के कोलाहल से बिल्कुल दूर, लेकिन शांत और एकांत जगह, शिव साधना की सबसे उत्तम जगह सेमरा धाम। इस सेमरा धाम मंदिर के दर्शन कीजिए। चलिए अब हम आपको ले चलते हैं जनपद जालौन के कोंच नगर स्थित भूतेश्वर महादेव मंदिर। भूतेश्वर महादेव मंदिर, जिनके बारे में कहा यह जाता है कि ये महादेव मंदिर लगभग 1800 साल से ज़्यादा पुराने हैं। 1800 साल कहा तो ये भी जाता है कि स्वयं भोलेनाथ ने यहाँ आकर तपस्या की, कुटिया में तपस्या की है, उसके बाद ये स्वयं प्रकट शिवलिंग है जिसके बारे में कहा यह जाता है ये भूतेश्वर महादेव। भूतेश्वर महादेव इनका नाम कैसे था, क्योंकि जब यहाँ कुछ नहीं था तब लोग यहाँ पर आते थे तो उनको भूत दिखाई देते और शिव शिव करके जब उन्होंने जपना शुरू किया तो भोलेनाथ ने स्वयं उनको दर्शन दिए और नाम दिया भूतेश्वर महादेव मंदिर। आज उस जगह पर बेहतरीन मंदिर है, आप दर्शकों हमारे दर्शक आप देख सकते हैं किस तरीके से मंदिर है। दर्शक यहाँ पर प्रतिदिन सैकड़ों हजारों की संख्या में आते हैं और खासकर महाशिवरात्रि के दिन तो यहाँ पर भक्तों का इस तरह से रीला लगता है कि दर्शन दुर्लभ हो जाते हैं भोलेनाथ के। भूतेश्वर महादेव के मंदिर के बाद चलिए अब हम आपको ले चलते हैं सरावन स्थित भूरेश्वर महादेव। भूरेश्वर महादेव जिनके बारे में कहा यह जाता है कि मिनी लोधेश्वर इनको कहा जाता है। लोधेश्वर धाम नैमिषारण्य के लोधेश्वर धाम के बाद नंबर आता है भूरेश्वर महादेव। ये भी लगभग 800 से 1200 साल पुराने शिवलिंग। इनके बारे में भी कहा यह जाता है कि जब ये आए थे तो महज एक छोटी सी डिब्बी में आए थे और जब ये यहाँ स्थापित हुए, किसने स्थापित किया इसका भी किसी के पास कोई दुर्लभ, लेकिन इनके बारे में कहा यह जाता है कि प्रतिदिन चावल के दाने के बराबर इनका आकार बढ़ता है। प्रतिवर्ष इनका चावल के दाने के आकार बराबर आकार बढ़ता है और आज आपके सामने है प्रत्यक्ष भूरेश्वर महादेव। भूरेश्वर महादेव एक ऐसा मंदिर जहाँ पर आने के बाद लोगों को मन में एक अच्छी शांति मिलती है, एक अलग से एक एहसास होता है कि हाँ हम कहीं आए। इस मंदिर की एक चीज़ विशेषता और है कि यहाँ पर जो भी व्यक्ति अपने इष्ट से जुब मांगता है वो कभी खाली नहीं। भूरेश्वर महादेव, चलिए भूरेश्वर महादेव मंदिर के बाद अब हम आपको लिए चलते हैं जालौन नगर क्षेत्र के उन मंदिरों में जिनका ऐतिहासिक पौराणिक दोनों महत्व। सबसे पहले पुलिस चौकी के सामने स्थित महादेव। इस मंदिर में कहा यह जाता है कि कभी यहाँ पर मराठों का किला हुआ करता था, ये किले में स्थित मंदिर था और यहाँ पर खुद
जो है मराठे जो शासक थे तात्या टोपे और उनके वंश, और महारानी ताईबाई जो जालौन नगर की शासिका थी वो यहाँ पर पूजा। इस मंदिर की जब मराठों का शासन खत्म हुआ, किला बिस्मार हुआ, गढ़ी थी यहाँ, आज भी नगर क्षेत्र का सबसे ऊंचा स्थान है जहाँ पर ये भोले बाबा विराजमान है। सामने पुलिस चौकी है, यानी कि भोले बाबा की रखवाली अब पुलिस वालों के हवाले, या यूँ कहें कि पुलिस वालों की रखवाली भोले बाबा के हवाले। इस मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे रवि महाराज, सुनिए जरा रवि महाराज क्या कह रहे हैं। जी आज शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि है, तो आखिर शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, क्या इसकी विशेषता है, आज के दिन का महत्व क्या है? हमारे यहाँ जितने भी व्रत और पर्व हैं वो ज़्यादातर दिनों पर आधारित होते हैं, लेकिन रात्रि से संबंधित दो ही पर्व हैं, एक नवरात्रि और शिवरात्रि। और ये आदिशक्ति माता भवानी के ऊपर नवरात्रि और भोलेनाथ के ऊपर जो है ये शिवरात्रि मनाया जाता है। दूसरी विशेषता है कि भगवान शंकर की आराधना शिवरात्रि के दिन करने से ये कालरात्रि के रूप में भी देखा जाता है, और भगवान प्रसन्न होते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, और इस दिन भगवान शिव पार्वती के विवाह की भी स्थिति बताई गई है कुछ पुराणों में। भगवान शिव और पार्वती का मिलन इसी दिन हुआ था, उन्होंने आराधना की थी और जिससे आदि जे भगवान शंकर को प्राप्त किया था। ये मुख्य रूप से प्रकृति और परमेश्वर का मिलन है, माता पार्वती को प्रकृति स्वरूप, भगवान शिव को परमेश्वर के रूप में देखा जाता है। प्रकृति और परमेश्वर का मिलन ही ब्रह्मांड में जब हुआ उसी को हम शिवरात्रि के रूप में देखने लगे। और शाब्दिक अर्थों से देखें तो शिव कहते हैं कल्याणकारी को, और आज के दिन शिवरात्रि के दिन जो भी पूजन करता है, भगवान का जागरण करता है, भजन करता है, यजन करता है, तप करता है, ध्यान करता है, तो जीवन की संपूर्ण रात्रियां उसकी मंगलकारी हो जाती हैं, इसका ये विशेष महत्व है। चलिए अब हम आपको दर्शन कराते हैं गोविंदेश्वर महादेव। गोविंदेश्वर महादेव ये भी मराठों का स्थापित किया हुआ एक मंदिर, नगर क्षेत्र का बहुत पुराना मंदिर, कितना पुराना है किसी को पता नहीं, लेकिन आज भी यहाँ आस्था और विश्वास लोगों का आज भी जिंदा है। यहाँ लोग सर झुकाकर भोले बाबा से अपना सब कुछ मांगते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भोले बाबा अवगढ़ दानी है, महादानी है। कहते ना कि सारा जग बस्ती में बसा दिया, आप बरसे वीरानी में, भोले बाबा है। पूरे संसार को विष से बचाने के लिए विष पीने वाले भोले बाबा, इनके दर्शन करने लोग यहाँ आते हैं, उनसे मांगने आते हैं, क्योंकि उनसे बड़ा कोई दानी नहीं, तीनों लोकों में उनसे बड़ा कोई दानी नहीं भोले बाबा। सहज और बिल्कुल सरलता से प्रसन्न होने वाले भोले बाबा, आज उनका दिन महाशिवरात्रि। कहा यह जाता है कि देवी पार्वती और महादेव का विवाह भी इसी दिन हुआ, देवी पार्वती और महादेव के मिलन की यह रात महाशिवरात्रि। इस दिन तीनों लोकों में गुंजायमान हुआ था ओम नमः शिवाय कि वो गूंज आज भी हर हर महादेव के रूप में मंदिरों में हमें सुनाई देती है। चलिए अब हम आपको ले चलते हैं जालौन नगर की पुरानी तहसील में स्थित महादेव मंदिर। पुरानी तहसील, पुरानी तहसील का मतलब है किसी ज़माने में जब देश स्वतंत्र हुआ 1947 के बाद जब देश स्वतंत्र हुआ, तो इस पुरानी बिल्डिंग में जो आज बिल्कुल जर्जर अवस्था में आपको दिखाई दे रही है, इस बिल्डिंग में कभी राजस्व के सारे अधिकारी एक साथ बैठा करते थे, क्योंकि सबसे बड़ी कलेक्शन की जगह मानी जाती थी ये राजस्व की। सबसे यहाँ पर जितनी तहसीलें हैं सारी तहसीलों के अधिकारी यहाँ आके बैठते थे, मीटिंग्स होती थी, बहुत कुछ होता था, लेकिन सब अब अपनी अपनी जगह व्यवस्थित है। नई बिल्डिंग बन गई है, नए अधिकारी हैं, सब कुछ है, जीर्ण शीर्ण हालत में ये ताई बाई का महल जिसको कहते हैं इसका ये मंदिर। हालांकि अभी कुछ दिनों पहले बारिश काफ़ी तेज़ी से हुई तो ये सभी भरभरा कर गिर गया, लेकिन आज भी आस्था और विश्वास भोलेनाथ के प्रति यहाँ। उस समय तत्कालीन तहसीलदार थे अजब सिंह जी, 1967 के आसपास की बात है, उन्होंने इस मंदिर का दोबारा से जीर्णोद्धार कराया। और इस मंदिर के नीचे कुछ लोग ये कहते हैं कि इस महल के में जो बीचों बीच में महाशिवदेव का जो मंदिर है इसके नीचे से कोई एक परनाला निकलता है, कहा जाता है, ये आज भी एक प्रश्न है और यक्ष प्रश्न है। इसका का जवाब अंग्रेजों ने भी ढूंढने का प्रयास किया लेकिन उनको नहीं मिला, हिंदुस्तानी शासकों ने किया उनको भी नहीं मिला। यहाँ से बहुत कुछ किया गया,
सैकड़ों हजारों लाखों लीटर पानी रंग में भिगो के डाला गया, ये कहीं तो निकलेगा, लेकिन इस प्रणाली का आज तक पता नहीं लगा। ऐसे बहुत सारे राज इस मंदिर के नीचे दफन है, लेकिन आस्था और विश्वास इन सबसे ऊपर। आस्था और विश्वास का ये संगम महाशिवरात्रि। जनपद जालौन में बहुत से ऐसे मंदिर हैं जिनके बारे में अभी हमें और आपको पता नहीं। चलिए हम आपको ले चलते हैं कालपी स्थित पातालेश्वर महादेव। यमुना नदी की कलकल धारा के किनारे उसके ऊपर ठीक बसा हुआ ये पातालेश्वर महादेव मंदिर, क्योंकि उन्हें पता है कि सब कुछ यहीं से मिलेगा, इसी धाम से मिलेगा। भोले बाबा नाम से भोले, सहजता से भोले, सहजता से प्रसन्न होने वाले। कहा यह भी जाता है, एक पुरानी कहावत है जो हम आपको सुनाते हैं, कि एक बार एक चोर भगवान के मंदिर में घंटा चुराने गया, तो ऊंचाई ज़्यादा थी, तो उसने कहा शिवलिंग के ऊपर पैर रखा और सोचा चलो घंटा उठा ले। जैसे ही पैर रखा भोले बाबा प्रसन्न हो गए, बोले वत्स मांग लो। बोले महाराज हम तो चोर थे, घंटा चुराने आए। बोले नहीं, तुमने बेटा पूरा शरीर हमें अर्पण किया है, इसलिए मांगो क्या। ऐसे भोले बाबा, इनके बारे में कहा यह भी जाता है, एक विष्णु पुराण में इसका लेख है, कि एक बार एक राक्षस उन्होंने तपस्या की कि भोले बाबा हम हमें ऐसा वरदान दीजिए कि जिस पर हम हाथ रखते वो फंस मिले। ठीक, भोले बाबा बोलिए ये वो मस्तु तथास्तु। अब उसने कहा इसका प्रैक्टिकल कैसे किया जाए, तो प्रैक्टिकल उसने चला भोले बाबा पर ही हाथ रख के देख लिया। तो भोले बाबा को अपने दिए वरदान पे जो है मुसीबत आ पड़ी, तो भागे भागे फिर भगवान विष्णु से उन्होंने मदद ली। तब कहीं जाकर उन्होंने स्त्री रूप रखा, उन्होंने उसको नाच कराया, और नाच कराने के बाद जो ही ये कला आई उसने स्वयं अपना हाथ रखा और भस्म हो गया, भस्मासुर भस्म हो गया। तो बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं जहां भोले बाबा खुद सहजता से वरदान देते, खुद सहजता से भस जाते थे। आज महाशिवरात्रि है, भोले बाबा का दिन है। हम अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों से फिर से कहेंगे ओम नमः शिवाय। मंदिर जो है इसके बारे में क्या जानकारी आपको बताएं? देखिए ये जालौन के प्राचीन मंदिरों में से एक है, और जो बुंदेलखंड के प्राचीन मंदिरों का इतिहास आप जानेंगे तो उनमें से एक ये महाराज मंदिर निकलेगा। और ये मराठाकालीन मंदिर है, और यहाँ पे हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं, और ये वास्तुकला के हिसाब से बनाया गया है। जैसे कि जब सूर्यदेव का उदय होता है और अस्त होते हैं तो यहाँ पर चारों तरफ से प्रकाश आता है, जो शिवलिंग के ऊपर समर्पित होता है ऐसा प्रतीत होता है। और यहाँ की श्रद्धा भावना के साथ लोग यहाँ पूजा अर्चना करने आते हैं, और यहाँ ये मान्यता है कि लोग कहते हैं कि जो आप शंकर जी से लगातार मांगिए तो लेते हैं, तो ऐसा इनके बारे में कहा जाता है। वैसे भोलेनाथ लोग मांगते हैं वो जरूर देते हैं। भगवान भोलेनाथ का ये उत्सव प्रकृति से मिलन का उत्सव है। शिवजी के पूजन से व्यक्ति का भाग्य खुल जाता है और चंचल मन को स्थिरता मिलती है। महादेव शिव की आराधना इच्छा शक्ति को मजबूत करती है और अनंत कारण में अदम्य साहस और दृढ़ता का संचार कराती है। शिव भक्त महाशिवरात्रि के दिन सुबह से ही भगवान भोलेनाथ की पूजा प्रारंभ कर देते हैं। महाशिवरात्रि पर पूरे दिन शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ती है। इस दिन रात्रि के चार प्रहर की पूजा भी महत्वपूर्ण होती है। इस साल प्रथम प्रहर की पूजा प्रारंभ शाम 6:13 से होगी। जालौन मेट्रो न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जालौन जनपद से जुड़ी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।